ये देख सकते हैं आप, हमारा रिजल्ट देखिए बॉटल गार्ड्स का, ये सभी प्लांट्स से मैं हार्वेस्ट किया हूँ। आपको ए टू जेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी बॉटल गार्ड्स किस तरीके से लगाना। ये वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरीके से ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हर एक वेजिटेबल्स, फ्रूटिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में दूंगा। बॉटल गार्ड लगाने के लिए आप एक पार्ट रेड सॉइल, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, नीम केक पाउडर और इप्सम सॉल्ट और जो है आपकी गार्डन सॉइल लीजिए और थोड़ी सी सैंड भी लीजिए। इससे बहुत अच्छा सा पॉटिंग मिक्स बना लीजिए। बॉटल गार्ड के सीड्स लगाए हुए 5 डेज हो चुके हैं। आप 24x24 इंच की कैरी में लगाइए या जो भी पॉट है उसकी एटलीस्ट जो साइज़ रहना 24 इंच रहना तो बेटर रिजल्ट्स आते। 25 डेज के बाद का रिजल्ट है, सभी प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ चल रही है और लीव्स बहुत ही अच्छे लश ग्रीन है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है। यहाँ देखिए प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस अच्छे से मेंटेन किया हूँ मैं और जो है प्लांट्स के अंदर वाइंस भी निकलना स्टार्ट हो गए, जिसको सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं अच्छे से रोप्स और थ्रेड्स की मदद से लोग को हैंग कराऊंगा और जो भी सॉइल है इसको कंटिन्यूसली डिग करते रहिए और अच्छे से वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट भी आप हर 20 डेज में एक बार, 15 डेज में एक बार यूज़ कर सकते हैं। नीचे वेल ड्रेन रहना, जो भी है वाटर निकल जाना। ये जो हमारे बॉटल गार्ड के प्लांट्स थे वो उसको मैं अच्छे से हैंग कराया हूँ, पूरा मैं बताऊँगा किस तरीके से हैंग करा सकते हैं आप भी। यहाँ पर टोटल देख सकते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको प्लांट्स ही प्लांट्स दिख रहे हैं। यहाँ पर टोटल 15 प्लांट्स है, ये 24 इंच की कैरी है। जब भी आप बॉटल गार्ड, कुकुम्बर्स, बिटर गार्ड लगा रहे इस तरीके से आप सपोर्ट के लिए प्लास्टिक के रोप्स से हैंग कराइए। लॉकी लगाए हुए 50 डेज हो चुके हैं, प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ चल रही है प्लांट्स की। इसमें इप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर रहा हूँ मैं हर 20 डेज में एक बार, 1 लीटर वाटर में 1 स्पून इप्सम सॉल्ट डालकर आप भी स्प्रे करिए लीफ के अपर एंड लोअर सरफेस पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरे प्लांट लश ग्रीन है लीव्स इन लोग के और फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई। देखिए ये फीमेल फ्लावर्स आना स्टार्ट हो गए पर यहाँ पर कोई मेल फ्लावर अभी फॉर्म नहीं हुआ। ये फीमेल फ्लावर जो है पॉलिनेशन नहीं होने की वजह से झड़ सकते हैं और गिर जा सकते। अगर इनकेस वाइल्ड पॉलिनेशन हुआ, अगर कोई प्लांट के दूसरे प्लांट के जहाँ पर अगर पोलन ग्रेन्स आए तो हो सकता है, पर ये प्लांट में अभी मेल फ्लावर्स, कोई मेल फ्लावर्स नहीं आए। आप ये हमारे लौकी, कद्दू या बॉटल गार्ड का लीफ देख सकते हैं कितना बढ़िया सा लीफ फॉर्म हुआ है। यहाँ पर इसकी लेंथ देख सकते हैं, इसका साइज़ देखिए आप, एटलीस्ट 17 से 18 इंच है इसका साइज़। बहुत अच्छे से न्यूट्रिशन दिया हूँ जिस वजह से ये रिज़ल्ट है आपके सामने। देखिए यहाँ पर पूरे के पूरे लीव्स देखिए बहुत बढ़िया साइज़ में आए हैं। यहाँ पर फर्स्ट हार्वेस्ट आ चुका है, देखिए थोड़े से बॉटल गार्ड्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गए। देखिए जैसे जैसे फीमेल फ्लावर्स आए हैं, हैंड पॉलिनेशन कराया हूँ जिस वजह से अच्छे से फीमेल फ्लावर्स फ्रूट में कन्वर्ट हुए हैं। बॉटल गार्ड जो है 70 डेज में फुली रेडी हो जाते हार्वेस्टिंग के लिए। 60 डेज से आपको प्रोडक्शन आना स्टार्ट हुआ था पर इसमें बहुत सारे फर्टिलाइजर्स आपको देने का है। एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र, आगे की वीडियो देखिए आपको पता चल जाएगा, सिर्फ वो एक लिक्विड फर्टिलाइज़र एनफ है बहुत सारे बॉटल गार्ड्स फॉर्म होने के लिए। और जो है बॉटल गार्ड में बहुत सारे एफिड्स, माइट्स, पाउडरी मिल्ड्यू, डॉनी मिल्ड्यू का अटैक होता। आप माइट्स एफिड्स के लिए नीम ऑयल 3 ml 1 लीटर वाटर में डाल के पूरे प्लांट पर स्प्रे करिए। चलिए आज हम फर्स्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं बॉटल गार्ड्स के, बहुत अच्छा सा साइज़ आया देखिए बॉटल गार्ड का। जब भी आप बॉटल गार्ड्स लगा रहे हैं आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक लगाइए, बहुत ज़्यादा समर में मत लगाइए। और बॉटल गार्ड्स में पाउडरी मिल्ड्यू, डॉनी मिल्ड्यू के लिए आप बेकिंग सोडा, 1 स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा 1/2 स्पून आप सोप सॉल्यूशन डालकर पूरे प्लांट के अपर एंड लोअर सरफेस पे हर 5 डेज में एक बार स्प्रे करिए। और अच्छा साइज़ बॉटल गार्ड का आने के लिए आप इसमें बहुत सारे लिक्विड फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल करिए जो साइज़ बढ़ा देगा बॉटल गार्ड का। और जो है कंटिन्यूसली अप्लाई करिए। आप बेल बहुत अच्छे से फैल चुकी है पर इसमें बहुत सारे एफिड्स का अटैक, इंसेक्ट्स का अटैक होता, इसके लिए आप 1 लीटर वाटर में 1 स्पून सर्फ भी डालकर आप पूरे प्लांट के अपर एंड लोअर सरफेस पे हर 5 डेज में एक बार स्प्रे करिए। दोस्तों अगर आप भी चाह रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से बॉटल गार्ड, जो लौकी है, कद्दू है, आपके घर पर ऑर्गेनिक तरीके से उगाए तो ये वीडियो एंड तक देखिए, उससे पहले रिजल्ट देख लिए जी आप। ये हमारी सेकेंड हार्वेस्टिंग पे है और एक एक का साइज़ देखिए कितना बेहतरीन तरीके से फॉर्म हुआ। यहाँ पर 3
थ्री फॉर्म हुए, और भी बताऊंगा। आप ये पूरे के पूरे प्लांट्स देख सकते हैं, एक एक प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस रखा हूँ मैं, एक हाथ का डिस्टेंस है, एटलीस्ट 10 इंच का डिस्टेंस रखिए। और ये प्लांट्स के बीच में इंटरक्रॉपिंग भी किया हूँ, ये देख सकते हैं पपाया का प्लांट, एक प्लांट के दूसरे प्लांट के बीच में इंटरक्रॉपिंग। यहाँ पर भी रिजल्ट देखिए आप, यहाँ पर भी बहुत अच्छे बॉटल गार्ड्स फॉर्म हुए हैं, और यहाँ पर भी इंटरक्रॉपिंग किया हूँ। देखिए ये बेर का प्लांट है, चलिए ये देख सकते हैं कितना बेहतरीन साइज आया, एटलीस्ट ये 5 to 6 kg है। तो हम सीड्स के लिए छोड़ देंगे, ये पूरे के पूरे रिजल्ट देखिए आप, यहाँ पर बहुत बेहतरीन बॉटल गार्ड्स फॉर्म हुए हैं, प्योर ऑर्गेनिक। इसमें क्या क्या फर्टिलाइजर्स दिया हूँ आप A to Z वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। ये भी रिजल्ट देख सकते हैं आप, बहुत बेहतरीन यहाँ पर रिजल्ट आया, ये देखिए आप, ये पूरे प्लांट की बेल देखिए, और भी बॉटल गार्ड्स फॉर्म हुए है। ये देखिए कितनी बेहतरीन यहाँ पर बेल दिख रही है, पूरे का पूरा ये कवर कर दिए है। वो हम पूरे प्लांट्स को मैं इस तरीके से बिल्डिंग से नीचे उतारा हूँ, बड़े बड़े रस्सियाँ बन के, मजबूत प्लास्टिक के जो रोब्स बनकर। चलिए और भी नीचे फॉर्म हुए, वो भी बॉटल गार्ड्स बताऊँगा आपको। ये देख सकते हैं आप यहाँ कितनी बेहतरीन तरीके से, यहाँ भी बहुत बड़े साइज़ के बॉटल गार्ड्स फॉर्म हुए, और यहाँ भी अभी फॉर्म हो रहे, देखिए ये भी फॉर्म हो गए। चलिए इसको आज हम हार्वेस्ट कर लेंगे। ये पूरी बेल देखिए बहुत बहुत अच्छी लग रही है। मस्टर्ड केक में बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन्स रहते हैं, जो सभी प्लांट्स को बहुत ज़रूरी है। इससे फ्रूटिंग का साइज बढ़ जाएगा और बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉप नहीं होंगे। और ये है हमारी वुड ऐश, इसमें बहुत सारा पोटेशियम रहता है। ये पोटेशियम, ये चारकोल और वुड ऐश है, जिसमें पोटेशियम अगर प्लांट्स को मिला तो वेजिटेबल आपको अच्छे साइज में मिलेगा। ये है लिक्विड फर्टिलाइजर, जो मैं हर 10 डेज में एक बार दे रहा हूँ। इसके अंदर 1/2 kg काउडंक है, और 1/2 kg वर्मी कंपोस्ट है, 1/2 kg कंपोस्ट है, और ये देख सकते हैं उपले है, 1/2 kg दही है, कर्ड है, 1/2 kg बेसन है, और 1/2 kg गुड़ है। ये 100 लीटर्स में बनाया हूँ मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसी को डाइल्यूट कर हर 10 डेज में एक बार दीजिए, आप भी इसी तरीके से लॉन्ग, हर वेजिटेबल लॉन्ग हासिल कर सकते हैं। इसलिए देख सकते हैं आप हमारा रिजल्ट देखिए बॉटल गार्ड्स का, ये सभी प्लांट्स से मैं हार्वेस्ट किया हूँ।